अब तक आप में से तकरीबन हर किसी को पता चल गया होगा इस ट्रेजेडी के बारे में, जिसने कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, हिलाकर रख दिया। और वो ट्रेजेडी, वो दुर्घटना थी टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। नो, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने होप कि सबने जान लिया होगा इस चीज के बारे में कि क्या हुआ था। एक्चुअली 18 जून 2023 को ये टाइटन सबमर्सिबल निकलती है अपने एक सफर में, जो कि सफर था पानियों के बीच में। ये करने क्या गए थे, वहां पर जो टाइटैनिक जहाज तकरीबन 111 साल पहले डूब गया था पानी में, ये लोग उसे देखने के लिए निकलते हैं। तो तकरीबन 5 लोग, जो कि काफी वेल्दी, काफी धनवान अमीर लोग हैं, वो इस सफर में निकलते हैं। और जब ये अपने रास्ते में ही होते हैं पानी के अंदर, तो ये अपना कम्युनिकेशन जो है उसे खो देते हैं, मतलब कि किसी के साथ अब इनका वार्तालाप, कोई ताल्लुक नहीं रहता है। और इनका वापस आने का टाइम था 4:30 बजे। और जब ये जो ऊपर जहाज जिनके साथ इनका कनेक्शन बना होता है, जिनके साथ कॉन्टेक्ट था, जब वो देखते हैं कि अभी तक हमारी जो टाइटन सबमर्सिबल है वो ऊपर नहीं आई, तो वो फिर तुरंत इन्फॉर्म करते हैं यूएस कोस्ट गार्ड को। और यूएस कोस्ट गार्ड की टीम जो कि रेस्क्यूअर्स हैं, वो बचाने के लिए तुरंत जितना जल्द हो सकता है वो निकलते हैं। और तकरीबन 12,000 फीट नीचे वो समुंदर की गहराइयों में ढूंढते हैं, खोजते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। तकरीबन 4 दिन बीत जाते हैं, दुनिया अपनी सांसें रोक कर रखती है कि किसी ना किसी तरह से कोई चमत्कार हो जाए और ये 5 लोग जो कि इस टाइटन सबमर्सिबल में बैठे हुए हैं, उनका कुछ पता चले और वो जिंदा मिल जाएं। ये 4 दिन जरूरी क्यों थे, क्योंकि 4 दिन की ही ऑक्सीजन इनके पास थी, उसके बाद ये जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए 4 दिन ही थे कि जब तक इन्हें ढूंढा जा सकता था। तो हर जरिया से, हर मींस को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ दिनों के बाद टाइटन जो सबमर्सिबल है उसका कुछ मलबा दिखाई पड़ता है, वो जो बड़ा जहाज टाइटैनिक था उसके पास ही पड़ा। और समुंदर की बड़ी बड़ी गहराइयों में जाने वाले एक्सपर्ट्स का जो डर था वो हकीकत में तब्दील हो गया। ये जो छोटी सी टाइटन सबमर्सिबल थी वो इम्प्लोड हो गई थी गहरे पानियों के प्रेशर के कारण, जिसने कि तुरंत उन 5 लोगों को जो कि सबमर्सिबल में बैठे हुए थे उन्हें भी खत्म कर दिया था। तो ये 5 मुसाफिर भी दफन हो गए बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर 111 साल पहले तकरीबन 1500 लोग दफन हुए थे। नाउ एज ए क्रिश्चियन मसीह होते हुए, आइए हम कुछ बहुत ही जरूरी 3 लेसन्स देखते हैं जो हम इस दुर्घटना से, इस ट्रेजेडी से सीख सकते हैं, और हमें बिल्कुल जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब चेतावनियां मिल रही हैं तो उन्हें लाइटली या हल्के में ना लें। डोंट टेक द वार्निंग्स लाइटली। द पायलट जो कि इस टाइटन सबमर्सिबल का पायलट था, उसका नाम था स्टॉकटन रश, जो कि CEO भी हैं इसी कंपनी के जिन्होंने इस टाइटन सबमर्सिबल को बनाया था, और इनकी कंपनी का नाम है ओशन गेट, और वो इस टाइटन को चला रहे थे। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मिस्टर रश को इस कारण कि इस इंसान ने जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो चेतावनियां थी कि जिस प्रकार से इस सबमर्सिबल को बनाया जा रहा है, दिस इज नॉट अ राइट वे, एंड द मटेरियल यूज हो रहा है वो भी सही नहीं है कि जो इतनी गहराइयों में पानी की मार को सह सकेगा। और साल 2021 में एक इंटरव्यू के दरमियान मिस्टर रश, जो कि ओशन गेट के CEO हैं और इस टाइटन सबमर्सिबल को जो चला रहे थे, पायलट थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया और उन्होंने कहा कि ही ब्रोक सम रूल्स इन हिज डिजाइन, कि इस डिजाइन में उन्होंने कुछ अपने जो रूल्स हैं उन्हें तोड़ा है, बिलीविंग दैट द रिवॉर्ड्स आउटवेट द रिस्क। तो मिस्टर रश ने अपने सारे जो कंपेनियंस, उसके साथी जो काम करने वाले थे, उन सबकी चेतावनियों को जो वो दे रहे थे कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए इसकी सिक्योरिटी को, उन सबको नजरअंदाज किया, और यहाँ तक कि एक अपने एम्प्लॉय को इसने निकाल भी दिया था। तो हम देख सकते हैं कि मिस्टर रश अपने आप में ही सर्टिफाइड थे, ही वॉज सेल्फ सर्टिफाइड कि नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चेतावनी की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटीज लॉ जो रूल्स हैं ये सब टाइम वेस्ट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसका ये जो फैसला था ये प्रूव हुआ कि ये कितना घातक था दोनों के लिए, उसके लिए भी और उसके साथ जो बाकी 4 सफर करने वाले लोग थे।
तो हम ये जान सकते हैं कि चेतावनियां उसके सामने थी, कंसर्न चिंताएं उसके सामने लाई गईं उसकी अटेंशन में कि वो लोग इनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन उसने चुना कि नहीं, मैं इन सबको नज़रअंदाज करूंगा, आई डोंट नीड दैम, मुझे इन सबकी ज़रूरत नहीं है। और पवित्र बाइबल भी हमें एडवाइज करती है कि जो बुद्धिमानों की काउंसिल है उसे सुनो। वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं अध्याय 14 वचन 16 में, वहां पर भी सेम ऐसे बहुत खूबसूरत लिखा है कि बुद्धिमान डर कर बुराई से हट जाता है, जो बुद्धिमान जो समझदार होता है वो डर कर बुराई से हट जाता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर चेतावनी की उपेक्षा करता है, ढीठ हो जाते हैं, जो कि रैकलेस है कि कोई परवाह नहीं है, रूल तोड़ो कुछ भी हो कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। और यही काम यहाँ पर मिस्टर रश ने किया। और अगर हम बात करें हमारी आत्मिक जिंदगी की, तो अगर हम भी परमेश्वर की चेतावनियों को जो उन्होंने इंसान जाति को दी हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, तो एक बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ी ट्रेजेडी इंसानों के ऊपर भी आने वाली है। जब हम पढ़ते हैं यशाया अध्याय 30 और उसके वचन 12 से लेकर 13 तक को, यहाँ पर ऐसे लिखा है, इस कारण इज़राइल का पवित्र ये कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर है, और वह अचानक पल भर से टूटकर गिर पड़ेगा। अब क्योंकि इस दुनिया ने, इस संसार ने, हमारे समाज ने, देखे जरा आसपास में, परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है, तो ये दुनिया भी ऐसे ही एक भयानक डिजास्टर के इंतजार में है। हो सकता है कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, जैसे कि 1.5-2 घंटे तक ये टाइटन सबमर्सिबल भी चलती रही, हो सकता है कि कुछ पल के लिए चीज़ें स्मूदली चलती जाएं, ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिजास्टर है, जो दुर्घटना है, जो विनाश है, वो आ पड़ेगा, जैसे कि टाइटन के ऊपर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त चीज़ों को सही करने का इस सीईओ के पास कोई समय, कोई मौका बिल्कुल नहीं बचा था। अब आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है कि पूरी दुनिया वचनों के, परमेश्वर के, उसकी बातों के, उसकी चेतावनियों के खिलाफ चला जाए, लेकिन आप और मैं, हम जो खुदा मसीह यीशु को जानने वाले, वचनों को जानने वाले हैं, आइए हम परमेश्वर की इन बातों के ऊपर, परमेश्वर की चेतावनियों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं, ताकि हम उस आने वाले डिजास्टर से, आने वाली तबाही से, आने वाली मौत से, आने वाले खतरे से बच जाए जो कि पूरी दुनिया के ऊपर आने वाला है। ओके, तो ये थी पहली बात। दूसरी बात, मेक श्योर दैट योर प्रायोरिटीज आर राइट। ध्यान रखें कि जिन चीजों को आप पहला स्थान दे रहे हैं, क्या वो सही चीजें हैं। देखिए, ये जो सफर था टाइटन सबमर्सिबल के ऊपर, इसका मकसद क्या था? ये लोग जा रहे थे उस बड़ा टाइटैनिक जहाज का जो टूटा हुआ मलबा है उसे देखने के लिए, और ये जो वेल्थी लोग थे, जो अमीर धनवान लोग थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो नीचे पास जाकर उस मलबे को देख सकें। रिस्क क्या था कि इस चीज़ को देखने के लिए उनकी जान भी जा सकती है। और बट वन मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, वाज द पोटेंशियल रिवॉर्ड वर्थ द रिस्क? कि ये जो जान के ऊपर खेल कर जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्या ये रिस्क लेना इतना जरूरी है? क्या ये इतना बड़ा प्रतिफल या रिवॉर्ड या नतीजा लेकर आएगा? नहीं। हम जानते हैं कि इन लोगों ने, जो कि इस सबमर्सिबल में डूबकर ख़त्म हो गए समुद्र की गहराइयों में, उन्होंने अपने पीछे कुछ अपनी फैमिलीज को छोड़ा, परिवारों को छोड़ा, जो कि आज परेशान हैं, दुखी हैं, टूट चुके हैं, दे आर क्राइंग, दे आर मॉर्निंग। एंड ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक प्लान्ड एंडेवर था, एक योजना के तहत किया हुआ फैसला था।
और असलियत असल में ये है कि इन पांचों लोगों ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था एक्नॉलेज करते हुए कि इसमें जो कि सफरम कर रहे हैं इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम मर जाएंगे, डेथ भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस ऊपर आएंगे, लेकिन इस सबके बावजूद भी इन्होंने साइन किया और इस सफर पर निकल गए। क्या अपनी जान के ऊपर खेलकर, अपने परिवारों को दांव पर लगाकर उस 100 साल पुराने जहाज के मलबे को देखना इतना जरूरी था? क्या परिवार से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा ये मलबा हो गया था जो कि गल रहा है, सड़ रहा है, खत्म हो रहा है? तो यहां पर हमारे लिए भी कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि कई बार हम कुछ चीजों को जो करते हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट, उसका नतीजा बिल्कुल बेकार हो, लेकिन हम अपनी जान पर खेलते हैं। जैसे सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूं, गुनाह जो हमें बहुत ही प्यारा लगता है, वो पाप जिसको हमें करने में आनंद आता है, झूठ जिसे बोलने में हमें अच्छा लगता है, पैसे का हेरफेर जो करने में हमें अच्छा लगता है, दूसरों को तुच्छ जानना, दूसरों को करैक्टर को मारना, मतलब कोई भी गुनाह आप ले लो, क्या ये सारे गुनाह इतने जरूरी, इतने कीमती, इतने प्यारे लगते हैं कि इसके कारण आप अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं? समझिए हम इस बात को, सोचिए जरा इस बात को, क्या हमारा पैसा, पैसे के पीछे दौड़ इतनी जरूरी है कि हम इसके लिए परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं, परमेश्वर को पीछे कर देते हैं? प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती अध्याय 16:26 में कि व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन If he gains the whole world and loses his own soul, कि वो दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान को गवा ले तो उसे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? और आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि What will a man give in exchange for his life? कि अपनी जान के बदले इंसान क्या देगा? तो सिंपली कहूं कि लेसन हमारे लिए ये है कि फिजिकल और शारीरिक और संसारिक प्लेजर्स को आप अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी या पहल नहीं बना सकते हैं। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जिंदगी, पवित्रता, ये परमेश्वर का भय, परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलना, ये हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज पहल होनी चाहिए, शरीर को, संसार को और दुनिया को खुश करना नहीं। अगर हम लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराकर, परमेश्वर के वचनों को ठुकराकर कुछ ही पलों के, कुछ समय के जो प्लेजर्स हैं, कुछ समय की जो सुख विलास हैं, कुछ समय की खुशी के लिए अगर हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें एक्सपेक्ट ये करना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में अनंत मौत, अनंत रोना, अनंत दुख, अनंत शर्मिंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन इसके बजाय अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लेते हैं, पवित्रताई का फैसला लेते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने का फैसला लेते हैं और परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में रखते हैं और उसे पहला स्थान अपनी जिंदगी में देते हैं, तो हमारे पास सदा की खुशी, सदा का आनंद और सदा की जिंदगी है खुदावंद मसीह यीशु के द्वारा। और इससे जरूरी मैं कहूं कुछ भी नहीं, इससे जरूरी कुछ भी नहीं। तीसरी बात है कि unless we repent, we will all perish। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, हम सब पैरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस टाइटन सबमर्सिबल के डूबने के बाद जो सबूत सामने आए हैं, जो एविडेंस सामने आए हैं, जो एक्सपर्ट्स ने बातें आगे रखी हैं, उनसे यही पता चलता है कि जो चॉइसेस, जो फैसले इन्होंने लिए, जो मटेरियल यूज़ किए, जो मतलब चीज़ें इन्होंने दिमाग में रखी और जो रूल्स को, रेगुलेशंस को इन्होंने इग्नोर किया, इन सब के कारण ये बड़ी दुर्घटना, ये बड़ी ट्रेजेडी हुई। और सेम हमारी ज़िंदगी में भी है, हमने भी कई जो फैसले किए हैं हमारे अतीत में, हमारे असल माँ बाप आदम और हवा ने जो फैसला किया परमेश्वर की बात को ठुकरा कर, शैतान की बात को मानने का, उनके इस गलत फैसले के कारण, हमारे गलत फैसलों के कारण, हमारे गुनहगार पापी स्वभाव के कारण हम भी इसी तरह की ट्रेजेडी में फंसे हुए हैं, जो कि ट्रेजेडी है गुनाह की ट्रेजेडी। और वचन में कहता है कि वी हैव ऑल सिंड एंड अर्नड इटर्नल डेथ, कि हम सब ने पाप किया है और अनंत मौत को हासिल किया है, कमाया है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करने वाले, हमें बचाने वाले, हमारे ऊपर दया, अनुग्रह, कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, तो उन्होंने अपना बेटा हमारी जगह पर भेजा, जिसने हमारी कमाई हुई मौत को खुद ले लिया और अपनी जो अनंत की जिंदगी है
वो हमें दे दी है। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यस, गलत फैसले आपने कर लिए, गलत काम आपने कर लिए, गुनाह को आपने कमा लिया और गुनाह के कारण मौत को कमा लिया। लेकिन आज भी, इससे पहले कि आपकी जिंदगी की टाइटन सबमर्सिबल डूब कर इम्प्लोड हो जाए, भस्म हो जाए, कि आपके पास दोबारा चीजों को सही करने का वक्त ना मिले, आज वक्त है, आज समय है कि आज आप अपना रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ सही कर सकते हैं। आपको करना क्या है? करना बस कुछ नहीं, वो काम जो खुदा मसीह यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है उसकी तरफ देखना है, प्रभु यीशु की तरफ, और विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने आपके गुनाहों की सारी सजा को, सारी लानत को और सारी मौत को अपने ऊपर ले लिया है। और पश्चाताप करें अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, और प्रभु यीशु के सामने माफ़ी को मांगकर, उसके अनुग्रह को मांगकर पवित्र जिंदगी जीना, प्रभु यीशु के साथ चलना और प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि पश्चाताप और परमेश्वर की आज्ञाकारी, समझे इस बात को, पश्चाताप और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी, ये हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी, एक पहला स्थान बन जाना चाहिए। ओके, तो ये तीन बातें थी जो हम यहाँ इस ट्रेजेडी से सीख सकते हैं। एक मैं और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं, और वो ये है कि जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है। यस, ये जो सब लोग जो टाइटैनिक जहाज की ट्रेजेडी को देखने के लिए जा रहे थे, वो खुद उसी ट्रेजेडी का हिस्सा बन गए। उस 100-111 साल पुरानी जो टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है, उसे देखने की बजाय अगर हम उसके बारे में सोचें, अगर हम उससे सीखें, तो ये शायद हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता। क्योंकि आफ्टर ऑल, जो कुछ भी टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ, जिस कारण टाइटैनिक जहाज डूबा, उसी कारण से ये टाइटन सबमर्सिबल भी डूबी। जो टाइटैनिक जहाज का कैप्टन था, उसने भी इग्नोर कर दी वो सारी चेतावनियां जो उसके साथियों के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन यात्रियों की जो सुरक्षा थी, यात्रियों के लिए जो चीज़ें जरूरी थी, उन्हें इग्नोर कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। ज़्यादा बेड़ियां वहां पर नहीं रखी गई जिनके साथ लोगों की जिंदगियों को और ज़्यादा बचाया जा सकता था। तो सेम चीज़ें जो टाइटैनिक जहाज के साथ हुई, वो यहाँ टाइटन सबमर्सिबल के साथ भी हुई। इस चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि देखने की बजाय अगर हम उनके बारे में सोच कर उनसे सीखें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन तीन चीज़ों को जरूर अपने ध्यान में रखें जो आज हमने इस ट्रेजेडी से सीखी हैं, कि हम भी इन लोगों की तरह वो ना हो जो चेतावनियों को, परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज करने वाले और फिर विनाश होने वाले बने, वरना हम लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले बने। प्लीज़ इस वीडियो को और भी भाई बहनों तक शेयर जरूर करना। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।